फराज अहमद ने जो बैटिंग की है मेरे ख्याल में बहुत आउटस्टैंडिंग, इस तरह के कमबैक्स जो हैं वो हमेशा के लिए यादगार रहते हैं। काफ़ी सारी सेंचुरीज की होंगी उसने, लेकिन ये जो सेंचुरी की है उसकी हमेशा सारी ज़िंदगी यादगार इनिंग में से होगी, और मैं बहुत खुश हूँ कि उसको अपॉर्चुनिटी मिली और उसने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। देखिए, जहाँ तक वर्ल्ड कप का ताल्लुक है, नो डाउट हम अभी है साल है और मैं ये समझता हूँ है भी इंडिया में, हम यहाँ पे बाबर को जो नए लड़के खेल रहे हैं न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेलेंगे इंशाल्लाह, वो एक हम ऑप्शन देना चाह रहे हैं कि बाबर के पास एक खुली ऑप्शन होनी चाहिए कि वो किस कॉम्बिनेशन के साथ वर्ल्ड कप की तैयारी करेगा। बिल्कुल, एक एक्साइटिंग सीरीज थी, एज अ क्रिकेटर हमने बहुत इसको एंजॉय किया, आई एम श्योर कि आवाम ने भी इसको बहुत एंजॉय किया होगा, क्योंकि इंटरनेशनल की वन ऑफ द बेस्ट टीम है न्यूजीलैंड, उसको पाकिस्तान आई है और एक कम्पेटिटिव क्रिकेट हुई है और हमने एज प्लेयर इसको बहुत इंजॉय किया। नहीं बिल्कुल, देखिए अभी तो काफ़ी टाइम है वर्ल्ड कप में और जिस तरह हमारे यहाँ की सीरीज आ रही है, कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड कप तक सारे जो है बेस्ट प्रैक्टिस हो जाए, तैयार हो जाए, बहुत सारी सीरीज है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर इंशाल्लाह रेडी होंगे। देखिए, ओवरऑल क्रिकेट अच्छी हुई है, आई थिंक जो आखिरी वाला टेस्ट मैच देखे उसमें काफ़ी फायर बैक हुई है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस नज़र आई जो पॉजिटिव चीज़ है हमारी टीम के लिए, और ओवरऑल पूरी टीम वाले एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं जो टीम को चाहिए होता है, और आई थिंक ये काफ़ी अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए।